हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। तो बोल रहा है क्या फ्रेंड्स, 61 नंबर क्वेश्चन कि यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सुपर पोजिशन थ्योरम यूज करना है। करंट इन 10 ओम रजिस्टर्स फिगर 3.33। फिगर क्या है फ्रेंड्स, 3.33। आप जैसा कि ये फिगर देख रहे होंगे, ठीक है, अपने डिस्प्ले पर, उसमें आपको सुपर पोजिशन थ्योरम लगाना है और करंट का वैल्यू बताना है आपको 10 ओम रेजिस्टर्स में। मतलब यहाँ पर आपको करंट का वैल्यू बताना है, ठीक है, इस सर्किट के लिए सुपर पोजिशन थ्योरम यूज करके। तो सुपर पोजिशन थ्योरम का थ्योरी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी पे डिस्कस कर ले और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैं थ्योरी लिख के रखा हूँ समझाने के लिए कि कम टाइमिंग में वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो क्या बोलता है, अगर हम कोई भी सर्किट में सुपर पोजिशन थ्योरम लगाते हैं फ्रेंड्स, तो पहले क्या करना होता है कि सर्किट में हमको डिटरमाइन करना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि उसमें कितना एनर्जी सोर्स का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, डिटरमाइन द एफर्ट ऑफ सेवरल एनर्जी सोर्स। कहने का मतलब है कि जब हम सुपर पोजिशन थ्योरम किसी भी सर्किट में अप्लाई करने जब जाते हैं, तो हमको उस सर्किट पे पहले ये पता लगाना होता है कि कितना एनर्जी सोर्स उस सर्किट में काम कर रहा है, ठीक है, अपना एफर्ट प्रभाव डाल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? ये पहले पहला ये का कंडीशन है, पता लगाना कि कितना एनर्जी सोर्स है सर्किट में। तो जैसा कि आप अभी जो फिगर है, अगर वो फिगर देखोगे तो उसमें कितना है, उस फिगर में कितना एनर्जी सोर्स है, तो दो है, एक 15 वोल्ट है और एक 13 वोल्ट। दोनों वोल्टेज के फॉर्म में हमारा एनर्जी सोर्स है, तो यहाँ पर दो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि यहाँ पर कितना एनर्जी सोर्स है फ्रेंड्स, यहाँ पर दो एनर्जी सोर्स है दोनों वोल्टेज के फॉर्म में। ठीक है, तो 2 वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ लिख दिया है। और जब मैं आगे चलता हूँ, तो अब क्या बोलता है फ्रेंड्स कि वोल्टेज सोर्स पता कर लिए, तो अब क्या है, उस दो वोल्टेज, अगर दो वोल्टेज सोर्स जितना भी सोर्स है, सोर्स एनर्जी, उसको पता कर लेने के बाद बोलता है कि बाय कंसिडरिंग, अब क्या आगे बोलता है अगले स्टेप में कि बाय कंसिडरिंग द एफर्ट ऑफ इच सोर्स एक्टिंग एलोन। तो सर्किट में क्या बोलता है फ्रेंड्स, अगर हमको सर्किट सॉल्व करना है तो कंसिडर करना है एफर्ट प्रभाव प्रत्येक सोर्स का जो वो सर्किट में लगा रहा है। तो लेकिन कैसा, अलग अलग लगाना, मतलब जितना नंबर ऑफ सोर्स है उसका अलग अलग से क्या प्रभाव सर्किट पे डाल रहा है, एक एक मानकर सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ समझते हैं इस बात को, जैसे मान लीजिए हमारे पास 15 वोल्ट और 13 वोल्ट था ना, हमारे पास दो एनर्जी सोर्स था, वोल्टेज सोर्स था, एक 15 वोल्ट एक 13 वोल्ट। तो इसमें क्या करेंगे, दो वोल्टेज सोर्स में किसी वोल्टेज सोर्स को हम सर्किट में रखेंगे और एक वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, मतलब एक को हटा देंगे। ठीक है, एक को रखेंगे और एक को हटा देंगे, यही कहता है सुपर पोजिशन थ्योरम। तो देखिए, अगर ऐसा करते हैं तो हमारा ऊपर वाला जो सर्किट है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि जब हमने क्या किया, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर 13 वोल्ट जो सोर्स वोल्टेज सर्किट था उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया इस साइड, और एक 15 वोल्ट सर्किट को क्या क्या कंसीडर किया सर्किट में। अब हमारा सर्किट बन गया सुपर पोजिशन थ्योरम से। अब इसको बस सॉल्व करेंगे और हमारा करंट का वैल्यू यहाँ पर जो निकालना है निकलते जाएगा। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हमको इस I निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि हमको पहले ब्रांच करंट निकालना होगा। अगर हम ब्रांच करंट को मान लेते हैं कि I1, ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रांच करंट हम I1 मान लेते हैं। ठीक है, तो I1 निकालेंगे और उसके बाद हम I निकाल सकते हैं बाय करंट डिवीजन रूल। तो देखिए पहले कैसे निकालते हैं, तो ब्रांच करंट निकालने के लिए क्या है, हमको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और टोटल वोल्टेज दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो फिगर में एक बार वापस चलते हैं फ्रेंड्स और आपको समझाते हैं कि जब ये इधर शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया, तो ये जो R2 है
और R3 जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है R2 पैरेलल विथ R3 के है, और ये रेजिस्टेंस पैरेलल विथ R1 के है इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में। यही हम जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब इसी डाटा को बस सॉल्व कर देना है, मान रखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन पूरा सॉल्यूशन समझते हुए आपको सीखना है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। कुछ कुछ तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होता है फ्रेंड, करना ही पड़ता है, उसको मैं शॉर्ट कैसे कर दूं। तो RT बराबर, तो इसको ये दोनों पैरेलल में ना फ्रेंड्स, इसका साइन हम यहाँ पर ले लेते हैं अभी पैरेलल में। ठीक है फ्रेंड्स, पैरेलल में हमने जब ले लिया तो पैरेलल का रेजिस्टेंस सॉल्व करने तो हम लोग आप सीख गए होंगे। तो बस पेन और कॉपी लेके बैठिए फ्रेंड्स और साथ में करते जाइए। तो आपका भी, आपको भी सॉल्व कैसे करना होता है आप सीख जाओगे न्यूमेरिकल। ऐसे आप लोग जानते होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन चलो तो इतना हो गया। यहाँ बचा 20 बटे में 3 प्लस 100। जब इसको करेंगे तो RT बराबर 20 प्लस 300 बाई 3, फिर होगा RT बराबर कितना होगा, 320 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं कटेगा तो इतना ही रहने देते हैं। इतना हम टोटल सर्किट रेजिस्टेंस हम ले आए फ्रेंड्स। अब हमको क्या करना है, टोटल सर्किट करंट निकालना है, मतलब जो हम I1 माने थे, टोटल सर्किट करंट ये फाइंड करने के लिए हमको RT पता है 320 बाय 3 ओम, और यहीं पर हमको भी पता है सोर्स वोल्टेज पहला कि 15 वोल्ट। ठीक है, तो इसके मदद से, इसी दोनों के हेल्प से हमारा निकल जाएगा। अगर हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V बाय R होता है। तो हमको I निकालना है। मान लीजिए I1 जो रखे थे मान, तो I1 मान लेते इक्वल टू, V कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर R कितना है, RT 300 बाय 3। तो इस डाटा को अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 15, 3 ऊपर चला जाएगा 320। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर यहाँ से आप देखो, तो यहाँ से अगर आप कट करना चाहो तो कट हो सकता है, 5 से काटो 3 बार में, इसको 5 से काटो 6 और 4 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, तो यहाँ बचा 964, इतना एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया टोटल सर्किट करंट आ गया। अब देखिए, तो फ्रेंड्स हमारा टोटल सर्किट करंट आ गया I1 9 बटे में 64 एम्पियर आ गया। तो अब चलते हैं, तो देखिए फिर से हम डायग्राम पर वापस लौटे, तो हम अब ये वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, I1 निकल गया टोटल सर्किट करंट, तो हमको ये करंट निकालना है यहाँ पर जो हम I माने हैं। ठीक है, 10 ओम के, 10 ओम में कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स, कि हमको यहाँ पर ये करंट यहाँ तक आएगा I1 टोटल सर्किट करंट, और फिर इसको यहाँ एक नोड मिलेगा, और यहाँ पर ये करंट क्या होगा, ब्रेक होगा। मान लीजिए इधर I जा रहा है तो इधर कुछ जाएगा, मान लेते हैं I2 जाएगा, जाएगा ना फ्रेंड्स। तो हमको यही करंट यहाँ निकालने के लिए, I निकालने के लिए हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम करंट डिविजन रूल लगा सकते हैं। लगा सकते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए लगा के देखते हैं। बाय करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल लगाते हैं फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं कि जो करंट हम निकाल रहे हैं I, टोटल करंट, यहाँ टोटल करंट सर्किट करंट इक्वल टू जिस रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस छोड़ के R3 बाय R3 प्लस R2, मतलब टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर I हमको निकालने का मोटो है, तो I1 हम निकाल चुके हैं 9 अपॉन में 64 इंटू R3 क्या है फ्रेंड्स हमारे पास 20, और 20 प्लस और R2 क्या है फ्रेंड्स 10।
जब इसको करोगे फ्रेंड्स तो आई इक्वल टू आ जाएगा, इसको काटना चाहो तो काट दो, तो ये 10 बार में और ये 32 बार में, तो ऊपर बच जाएगा 90, नीचे बच जाएगा 32 और इसके नीचे बच जाएगा 30। जब इसको करेंगे 90 32 अपॉन में 30 इंटू 3, तो यहाँ से और थोड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, इससे इससे काट देंगे तो 3, तो 3 अपॉन में 32, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आ जाएगा, इतना एम्पियर। तो ये हमारा 10 एम्पियर 10 ओम में, मतलब 10 ओम रेजिस्टर्स में करंट पहला निकल गया, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि सुपर पोजिशन थ्योरम में 2 वोल्टेज सोर्स है, तो एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने से हमारा अभी यहाँ वैल्यू पहुँचे हैं। अब नेक्स्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और पहले वाले को जो माने थे उसको 15 वोल्ट को इस बार शॉर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग तो आई का 10 ओम रेजिस्टर निकाले हैं, इसको अगर हम डेसिमल में बदल लें फ्रेंड्स, फ्रैक्शन को डेसिमल में, तो जब इसको सोल्व करोगे ना फ्रेंड्स तो इसका वैल्यू आपका आएगा 0.093 कुछ आएगा, ठीक है फ्रेंड, जिसको आप चेंज कर दोगे, अगर डेसिमल उड़ा दोगे तो नीचे 100,000 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जब इसको आप अच्छा से लिख लोगे तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स यही आ जाएगा 94 मान सकते हो, ठीक है, इसके अप्रॉक्स में कुछ रहेगा, तो 94 मिली एम्पियर आपको पहला करंट आ जाएगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले स्टेप पे, तो अगला स्टेप मैंने यहाँ लिख रखा है फ्रेंड्स कि अब हम क्या करेंगे कि 13 वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इस बार, और 15 वोल्ट जो सोर्स पहला था उसको इस बार शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है इसका, ठीक है। तो देखिए मेरा फिगर कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा, ये कितना है आपका, ये आपका 13 वोल्ट है, इस बार इसको कंसीडर कर रहे हैं और 15 वोल्ट वाला जो वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब अगर इसके क्रॉस में हम, इससे भी हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इस वोल्टेज सोर्स के कारण हमको सर्किट करंट यहाँ निकालना होगा, तो ये सर्किट करंट हम निकालेंगे, तो इस सर्किट करंट का मान नाम जो दिए थे फ्रेंड्स, मान रहे थे इसका नाम दिए थे I1, ये I2 दिए थे, तो I2 मान लेते हैं फ्रेंड, और ये तो I सेम ही मानते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सुपर पोजिशन का मतलब क्या, सुपर इम्पोज करना, मतलब पोज करना, मतलब दो चीज़ को एक दूसरे में मिलाना यहाँ पर होगा वो काम, और कुछ करंट इधर जाएगा फ्रेंड्स, और ये कुछ करंट इधर जो आ रहा था, ठीक है, तो ये माने थे हम I1 यहाँ से, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इस ऐसे इसका काम नहीं पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से ही निकाल लेंगे, पहले टोटल सर्किट करंट निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस से। तो पहले टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 100 ओम है वो 10 ओम के क्या है, पैरेलल में है, तो R1 जो है पैरेलल विथ R2 है, और ये दोनों का कम्बिनेशन R3 के साथ कैसा है, सीरीज में, तो यहाँ से भी हमारा एक R2 निकल जाएगा, मतलब RT निकल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट के लिए। तो निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, पहले वैल्यू रखते हैं और निकाल लेते हैं, तो देखिए RT हमारा निकलेगा क्या, R1 100 है पैरेलल विथ है R2 के 10, प्लस में R3 है हमारा 20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो 100 गुना 10/100 प्लस 10 प्लस नहीं प्लस 20, तो RT बराबर आ जाएगा 110, सॉरी 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 गुना है फ्रेंड्स, ये आ जाए 110 प्लस 20, फिर RT बराबर 1010 हम यहां से काट सकते हैं फ्रेंड्स, बस सॉल्यूशन देखते रहिए फ्रेंड्स, पेन और कॉपी अपने साथ रखिए और नोट करते जाइए साथ साथ में, तो आपका आप क्या होगा कि आप सीखते जाओगे साथ में मेरे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ओम आरटी निकाल लिए सेकंड सेकंड सर्किट के लिए। अब हमको रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज सोर्स भी पता है, 13 वोल्ट है इस सर्किट के लिए। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं वी नोन डैट कि आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। हमको आई टू निकालना है, आई टू माने है ना फ्रेंड्स, तो आई टू यहाँ भी कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी है हमारा, भी मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आई टू माने है, तो भी हमारा 13 है और आर मेरा आया है 320 अपॉन में 11। जब इसको करेंगे तो 13 कितना एम्पियर आ जाएगा फ्रेंड्स, आएगा फ्रेंड्स। बस इस डाटा को आप देखते रहिए ज़्यादा आपको, तो ये करना है। और जब करेंगे तो ये गुना 320 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। ये हमको करंट मिल गया, टोटल सर्किट करंट किसके वजह से, तो 13 वोल्ट की वजह से, ठीक है। अब हमको क्या है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा आई टू निकल गया है। तो अब हम सर्किट में जाते हैं फिर से, और सर्किट में क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि तो हमारा आई टू यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स। तो अब हम निकालना चाहते हैं आर टू में कितना करंट फ्लो होगा जो हम माने थे आई। तो ये भी यहाँ भी हम करंट डिवीजन रूल लगा के निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ भी हम लिख सकते हैं बाय करंट डिवीजन रूल, ठीक है फ्रेंड्स। लगाएंगे तो हमको निकालना आई, और इधर से हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम आई डैश मान लेते हैं यहाँ, ठीक है फ्रेंड, सेकेंड सर्किट के थ्रू से आई डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि टोटल करंट जिस रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस छोड़ के 100, और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस 10, 100 प्लस 10 हो जाएगा। तो आई डैश माने हैं सेकेंड सर्किट 13 वोल्ट के अकॉर्डिंग, तो आई टू कितना निकला है फ्रेंड्स, आई टू हमारा निकला है 143 अपॉन में 320 गुना 100 बाय ये हो जाएगा 110, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को फ्रेंड्स। तो जब आप करोगे इस डाटा को सॉल्व, आई डैश इक्वल टू लिख सकते हो, ये जीरो खत्म कर सकते हो, 143 इंटू 10 और 32 गुना ये लिख सकते हो फ्रेंड्स, 143, ये जीरो खत्म कर दो, और 325 इतना लिख सकते हो फ्रेंड्स, लिख सकते हो। और देखो एक काम आप यहाँ और कर सकते हो, तो जब इस डाटा को आप सॉल्व करोगे ना फ्रेंड्स, इतना डाटा को, तो आपको कुछ डेसिमल में करंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.4062 एम्पियर अप्रॉक्स में ले रहे हैं फ्रेंड। तो इसी को आप और बदल लेना कि 0.406, ठीक है, डेसिमल उड़ाओगे तो इतना, इसी को आप फिर से थोड़ा लिख सकते हो 406, इसको करोगे तो मिली एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिली में, 10^-3, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा अब क्या बनता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम कुछ सर्किट पे ऐसा फिर से जो ओरिजिनल सर्किट है उस पे लौटते हैं। तो क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 52 मतलब 15 वोल्ट जो था उसके कारण जो यहाँ पर करंट आ रहा था आई, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका कुछ मान आ रहा था, ठीक है। और इसको मान के जब कंसीडर करके जब इस ब्रांच में करंट निकाले तो वो मान आई डैश आ रहा था, और दोनों क्या था फ्रेंड्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। जब करंट एक ही डायरेक्शन में होता है तो करंट क्या होता है फ्रेंड्स, जुड़ता है। तो हमारा जो टोटल करंट हम माने थे, मान लीजिए कि हम आई और 10 ओम में टोटल करंट निकालना चाहते थे, तो हम माने थे कि आई पहला आई प्लस आई डैश, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों करंट जुड़ जाएगा, तो इसका फ्रेंड्स आया था
इतना मिली एम्पियर, अब प्लस इसका अभी तुरंत निकाले 460 मिली एम्पियर, दोनों जुड़ जाएगा तो मिली एम्पियर कॉमन ले लो तो 10 10 और ये कितना होगा 500। तो हमारा जो करंट फ्लो होगा 10 ओम में फ्रेंड्स, वो आई सुपर पोजिशन थ्योरम के अंदर, वो कितना होगा 500 मिली एम्पियर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है लेकिन पूरा कंसेप्ट के साथ समझे हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा है इसी का। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पर आ गए हैं। 62 नंबर क्वेश्चन छोटा है फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड है। 61 क्वेश्चन पर आपका जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड, आपसे बोल रहा है पावर डिसिपेट का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब पी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इन 10 ओम रेजिस्टर्स, किसमें 10 ओम रेजिस्टर्स में पावर डिसिपेट का वैल्यू पूछ रहा है, वही सेम फिगर 3.33 अब जो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैंने फिगर भी आप लोग के लिए बना लिया है, तो यही फिगर था फिगर यही फ्रेंड्स फिगर था। तो इसी में है जो ये 10 ओम रेजिस्टर्स हैं, पेन इंक बदल लूँ आपको समझ में आएगा। तो ये जो रेजिस्टर्स R3 10 ओम है, इसी में आपको पावर डिसिपेट का वैल्यू पूछ रहा है। तो पावर डिसिपेट का वैल्यू क्या है फ्रेंड, अगर आई हमको 10, इसके इसी में हम आई का वैल्यू निकाले हैं, कितना निकाले हैं 500 मिली एम्पियर निकाल चुके हैं, तो आई पता आर पता है तो पी नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या क्या जानते हैं वो लिख लेंगे कि पी इक्वल टू, अगर आई के फॉर्म में लिखना है तो आई स्क्वायर आर होता है, तो पी इक्वल टू आई कितना निकाले हैं 500 मिली एम्पियर का स्क्वायर गुना आर कितना है फ्रेंड्स 10 है। तो पी इक्वल टू 500 इंटू 10^-3 मिली एम्पियर को तोड़ लिए इंटू 10, जब इसको करेंगे तो पी इक्वल टू इसको करो तो 25 इतना गुना 10^-6 गुना 10, तो पी इक्वल टू 25000 बाय 1 2 3 4, तो अच्छा से कर लेते हैं ये, यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा कर ही लेते हैं एक स्टेप, इसको नीचे भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा पी इक्वल टू 25 3 4 5 6 10, ये गुना कर देते थे 3 3 2 5 खत्म, 3 2 5 खत्म, तो 25/10, तो पी का वैल्यू पावर डिसिपेट के निकल गया 2.5 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, यही पावर डिसिपेट का वैल्यू है, तो हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा फ्रेंड्स, वीडियो दो ही क्वेश्चन में बहुत लॉन्ग हो गया है लेकिन मैं पूरा समझाया हूँ सॉल्व करके, इसीलिए फ्रेंड्स तो कुछ क्वेश्चन लॉन्ग हो जाते हैं। तो इस वीडियो को भी आप देखिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, और वीडियो समझ में थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इस वीडियो से हम टारगेट करते हैं 1 सब्सक्राइबर मुझे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड में भी शेयर करो, और एक कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कहाँ पर, मतलब कौन सा, मतलब वीडियो अच्छा लगा और कौन सा समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स।